For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Salman Khan ho gaye hain naraaz. Kisse? Chaliye batati hoon. Well, hello guys, welcome to Movies Adda. This is your host and dost Jyoti Nahak. Salman Khan jo hain, wo naraaz ho gaye hain Sandeep वांगा से, जी हाँ संदीप रेड्डी वांगा से, जो कि कबीर सिंह फिल्म के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ रणबीर कपूर से। अब ये क्या माजरा है चलिए बताती हूँ। जैसा हम जानते हैं कि कबीर सिंह डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इज ऑन द सेवेंथ क्लाउड राइट नाउ बिकॉज उनकी फिल्म ने इतना अच्छा बिजनेस किया है। अब वो अपने सेकंड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें वो लेने वाले हैं रणबीर कपूर को। अब रणबीर कपूर के साथ जो फिल्म करने वाले हैं उसका टाइटल अपेरेंटली उन्होंने सोचा है डेविल। अब जहां डेविल कैरेक्टर आता है, जहां डेविल नाम आता है, वहां पर दिमाग में नाम आता है सलमान खान की फिल्म किक का, जहां पर उनके कैरेक्टर को एक तरीके से डेविल देवी और डेविल करके इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बात ये हो रही है कि साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान जो कि किक टू पर काम कर ही रहे हैं, उन्होंने सोचा हुआ है शायद वो डेविल इज बैक ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं इस फिल्म को। लेकिन अगर यही सेम डेविल नाम संदीप रेड्डी वांगा यूज़ कर लेंगे तो फिर ऑडियंस के लिए ये क्लैश काइंड ऑफ हो जाएगा टाइटल्स का, डेविल इज़ बैक एंड डेविल, ये काइंड ऑफ कंपैरिजन आ जाएगा, एक अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसको शायद अवॉइड किया जा सकता है अगर ये दोनों ही पार्टीज आपस में बात करें, यानी सलमान की बात अगर संदीप तक पहुँचे। और सलमान और रणबीर कपूर की हिस्ट्री तो हम पहले से ही जानते हैं, सो अब ये सिचुएशन कैसे टर्न आउट होने वाली है, सलमान क्या रिएक्शन देने वाले हैं और रणबीर कपूर क्या कहने वाले हैं इस चीज़ पर, और नाम चेंज होगा या नहीं होगा, ये सारी स्टोरीज मैं आगे आगे आपको अपडेट करती रहूँगी। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ।